नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे लगातार हम कई बार बात करते रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी, हरियाणा कांग्रेस की खेमेबंदी को लेकर के। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर की और मैंने ही नहीं, आप तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर या जो यूट्यूब चैनल या डिजिटल मीडिया पर आपने तमाम लोगों को देखा होगा कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर बात करते हुए। मैंने भी आपसे कल एक वीडियो शेयर किया था कि ये समानांतर यात्रा शुरू हो रही है कुमारी सैलजा की। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा है, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा यात्रा निकाल रही हैं। और तमाम जो वीडियोस चला करती थी, चाहे हमारी हो या किसी की हो, सब में एक बात आती थी कि आखिर कांग्रेस की जो गुटबाजी है, कांग्रेस की खेमेबंदी है, ये कहाँ जाकर रुकेगी। मैंने आपको कल बताया था कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो महामंत्री हैं वेणुगोपाल, चाहे वो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, और फिर सबसे प्रमुख संसद के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, कई बार नसीहत दी, कई बार ताईद की, लेकिन बात बनती नहीं थी। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी का जो चाबुक है वो चला है, राहुल गांधी का चाबुक चला है कांग्रेस के तमाम नेताओं पर। आपसे मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कुमारी सैलजा की जो यात्रा शुरू हुई, कांग्रेस संदेश यात्रा, जिसका उन्होंने लोगो लॉन्च किया, पोस्टर लॉन्च किया, और पोस्टर के ऊपर उन्होंने लिखा कि हरियाणा का हक मिलने तक, यानी कि हरियाणा के हकों के लिए वो यात्रा जो कर रही हैं, उस यात्रा का जो पोस्टर जारी हुआ था उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या CLP लीडर का, यानी कि चौधरी उदयभान या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो नहीं था। मैंने आपको बताया था कि जब पहले यात्रा चली थी कुमारी सैलजा की लोकसभा चुनाव से पहले, और उस यात्रा के दौरान में जब फोटो गायब थे, नदारद थे प्रदेश अध्यक्ष के, प्रदेश प्रभारी के, तो ये बात राहुल गांधी तक पहुंची थी और राहुल गांधी ने सीधे सीधे नसीहत दी थी कि भाई दोनों नेता जो हैं, कुमारी सैलजा भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट भी, दोनों अपने अपने जो उनके भी सोशल मीडिया पर पोस्टर्स हों या उनके जो फ्लैक्स हों, वो एक दूसरे के फोटो शेयर करें, साझा करें। बताते हैं उस समय यात्रा भी बंद हो गई थी कुमारी सैलजा की, और एक बात और आ गई थी कि कुमारी सैलजा ने कह दिया था कि हुड्डा साहब जो रैलियां करते हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उनमें भी, यानी कि उनका, कुमारी सैलजा का फोटो नहीं होता। राहुल गांधी की नसीहत तो हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव आ गए और चुनाव में व्यस्त होने के बाद लगता है कि उस बात को सब भूल गए। इधर दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा शुरू हुई, दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस मांगे हिसाब, जनता मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, सब मांगे हिसाब, क्योंकि हिसाब तो मांगा जाएगा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार है उससे हिसाब मांगने निकल पड़े दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उस यात्रा पर जो पोस्टर बैनर तमाम है उनमें कहीं कुमारी सैलजा का फोटो नहीं था, जो राहुल गांधी ने कहा था पहले। इसके बाद में अब कुमारी सैलजा ने यात्रा शुरू की, जो कल शुरू हुई अम्बाला से, शनिवार को यात्रा शुरू हुई कुमारी सैलजा की, जिसमें कुमारी सैलजा ने कहा है कि वो हरियाणा के तमाम शहरों में जाएंगी। 44 विधानसभा सीटें हैं शहरी, जहां माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कुछ ज़्यादा है, और उन सीटों पर जो शुरू किया यात्रा करने का, सफ़र करने का, उनमें जन अभियान छेड़ने का, प्रचार करने का अभियान कुमारी सैलजा ने, उसका जो पोस्टर लॉन्च हुआ उसके ऊपर हरियाणा का हक मिलने तक जिस नाम से यात्रा निकाली जा रही है, जब वो पोस्टर लॉन्च हुआ तो उस पर ना तो PCC के अध्यक्ष चौधरी उदयभान का फोटो था, ना उस पर हरियाणा जो CLP के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो था, ना दीपक बावरिया का फोटो। तो आप देख सकते हैं पुराने पोस्टर। उसके बाद में जब ये बात बताया जाता है कि राहुल गांधी तक फिर पहुंची, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने, चौधरी उदयभान गुट ने, यानी कि PCC की तरफ से बात पहुंचाई गई कि देखिए अब भी कुमारी सैलजा यात्रा कर रही हैं, उस पोस्टर पर हमारे फोटो नहीं है, इससे गुटबाजी का संदेश और बढ़ेगा। ये बात राहुल गांधी तक पहुंची तो राहुल गांधी जी का निर्देश हुआ, जो मैं आपको बताया कि राहुल गांधी का चाबुक चला। इसका चाबुक चलने का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी आए हंटर लेकर खड़े हुए पूछताछ, नहीं, चाबुक का मतलब जवानी बात भी की जाती है। तो राहुल गांधी का संदेश पहुंचा और कुमारी सैलजा के पोस्टर पर चस्पा हो गए
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी आप देख सकते हैं। पहला पोस्टर भी आपको मैंने दिखाया और दूसरा पोस्टर आप देख रहे हैं कि पहले पोस्टर में फोटो नहीं है उनके, हुड्डा साहब के और चौधरी उदय भान के, और दूसरे पोस्टर में फोटो लग गई। इस पोस्टर को कुमारी शैलजा ने अपने फेसबुक पेज पर भी, जो उनके प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है वहाँ भी लगा हुआ है, तो आप मान सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा की जो पोस्टर यात्रा चल रही है सिरसा में थी, वहां पर कुमारी शैलजा का फोटो भी अब लग गया। यानी कि कांग्रेस के लोगों ने संदेश दे दिया राहुल गांधी के निर्देश के बाद कि हम साथ साथ हैं, संदेश दे दिया ये कि हम साथ साथ हैं। हालांकि अब इसके पीछे मैं बताऊं ये बात गई क्यों होगी। अगर आपको देखें तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने पोस्टर जारी किया था, उस पोस्टर पर लिखा था कि बापू बेटा कांग्रेस वर्सेस एसआरवी। बापू बेटा कांग्रेस यानी कि दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस जिनमें चौधरी उदय भान भी साथ है, और उनके मुकाबले पर शैलजा रणदीप और चौधरी वीरेंद्र सिंह का एसआरवी ग्रुप, जो पोस्टर पर कुमारी शैलजा के पे भी नजर आया था। और जब उस पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने जब इस प्रकार के जारी किए तो शायद ये बात राहुल गांधी तक वो भी जरूर पहुंची होगी। और क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस को लगता है जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया जिसमें कांग्रेस ने 5 सीटें लोकसभा की जीत ली, हरियाणा से 5 सांसद बन गए कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हार गई। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों को भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया। तो उसके बाद मान लें कि कांग्रेस जरूर फील गुड तो कर रही है, और क्योंकि अब अक्टूबर के अंदर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी गंभीर है कांग्रेस, गंभीर तो भारतीय जनता पार्टी भी है। आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूंगा कि अमित शाह कितने गंभीर हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदर्शन को लेकर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे कांग्रेस की। तो कांग्रेस, राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस आला कमान पूरी तरह गंभीर है कि हरियाणा हमारे हाथ में आ सकता है, हरियाणा कहीं हाथ से निकल ना जाए, इसलिए कहीं भी कोई ऐसा संदेश ना जाए जिससे लगे कि कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की खेमेबंदी नुकसान दे रही है। और यही संदेश राहुल गांधी ने दे दिया, और राहुल गांधी का संदेश आते ही जहां शैलजा के पोस्टर्स पर हुड्डा साहब आ गए, उदय भान आ गए, तो फिर हुड्डा साहब के, दीपेंद्र हुड्डा के पोस्टर्स पर कुमारी शैलजा चली गई। अब पोस्टरों में तो फोटो का आदान प्रदान हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेता मंच कब साझा करेंगे, ऐसे कब वो दिन आएंगे जब एक ही मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे और कुमारी शैलजा भी होंगी। ऐसे वो दिन कब होंगे जब कांग्रेस के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है उनकी सभाओं के अंदर शैलजा के समर्थक होंगे, और शैलजा गुट की जो सभाएं होंगी उनके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक पहुंच जाएंगे। यानी कि कार्यकर्ताओं तक सीधा संदेश, पोस्टर संदेश तो हो गया हम साथ साथ हैं, कार्यकर्ताओं में संदेश कब जाएगा कि हम साथ साथ हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी के इस निर्देश के बाद अगर कांग्रेस की खेमेबंदी खत्म होगी तो फिर कांग्रेस और मजबूत होगी क्या? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जो यात्राएं चल रही हैं समानांतर दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की, ये यात्राएं क्या कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाने में और भी सहयोगी साबित हो सकती हैं? और आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा किस करवट बैठेगा, भाजपा या कांग्रेस? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।